स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 5 ओके, ग्रुपिंग डेटा, कलेक्टिंग डेटा, पिक्टोग्राफ, ये सब कुछ हमने देख लिया। आगे ऑर्गेनाइजिंग डेटा, बार ग्राफ है, फिर डबल बार ग्राफ है, फिर आगे पिक्टोग्राफ, ये सब कुछ हमने देख लिया है। एक टॉपिक बचा है अभी, आगे उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक टॉपिक बचा है कि बार विथ अ डिफरेंस। लेट अस अगेन कंसीडर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय स्टडी स्टूडेंट ऑफ द मैथमेटिक्स। तो एक बार चार्ट दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट कितने कितने मार्क्स है, फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, फिर कितने में से कितने नंबर आए स्टूडेंट के, वो सब कुछ दिया हुआ है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ द स्टूडेंट दिया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट दिया है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ये वाई एक्सिस पे, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ये है एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, इसमें से ये बार चार्ट बनाने का बोले, या तो ये बार चार्ट दिया है उससे ये बोले, तो दोनों आपको बनाना आना चाहिए। वैसे तो आपको दिया रहेगा दोनों, और आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो दिखाया है कि 0 to 10 इंटरवल है ना, कि क्लास में 0 to 10 इंटरवल में दो स्टूडेंट्स है, फ्रीक्वेंसी में स्टूडेंट, और 0 to 10 तो 0 से 10 मार्क्स वाले दो स्टूडेंट है। तो यहाँ पे देखो 0 to 10 तो एक ग्राफ दिखाया हुआ है 0 to 10 के बीच में, और वहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी है, तो 0 to 10 में 2 दिया हुआ है। फिर 10 to 20 तो यहाँ पे 10, तो 10 to 20 तो यहाँ पे 10, 0 to 10 में 2, 10 to 20 में 10, फिर 20 to 30 में 21 है। तो देखो यहाँ पे 20 से 30 तो 20 से 30 वाला ग्राफ कहाँ पर जा रहा है, 21 सबसे ऊपर, फिर 30 to 40 तो यहाँ पे 30 to 40 तो 30 to 40 में कितने दिए, 19, तो यहाँ पे 30 से 40 तो 30 से 40 कहाँ तक जाना है हमको, देखो यहाँ पे 18 है, तो ये 18 वाली लाइन हो गई, लेकिन हमको 19 तक जाना है ना, ये 18 वाली लाइन हो गई, हमको 19 तक जाना है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर, तो 19, 40 to 50 तो 40 to 50 में कितने है, 7, तो यहाँ पे 40 50, तो यहाँ पे देखो 6 है, तो 6 वाली लाइन खींचो, तो ये 6 वाली लाइन, तो 6 से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, तो 7 के लिए 6 से थोड़ा ऊपर, फिर 50 to 60 तो इसमें ओनली वन स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 50 to 60 तो 50 to 60 में वन स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो 0 to 2 है दिया हुआ है, 0 to 2 के कम्प्लीट बीच में, देखो 0 to 2 के कम्प्लीट बीच में आपको बार चार्ट दिया हुआ है, वो 1 का दिया हुआ है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, देखो आपको सिर्फ कैसे ड्रॉ कर, वैसे आएगा नहीं ड्रॉ करना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई पूछे तो कि देखो ये हो गई वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, अगर मुझे ऐसा बोला है कि 0 to 10 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट है, तो पहले मैं ऐसे नाम बना देता हूँ कि ये 0 यहाँ तक है, ये 10 यहाँ तक है, ये 20 यहाँ तक है, ये 30 यहाँ तक है, ये 40 यहाँ तक है, और ये 50 यहाँ तक है। तो 0 to 10 ये है क्या है मार्क्स, ये क्या है मार्क्स दिए हुए मार्क्स, और ये जो वाई एक्सिस पे जो है वो स्टूडेंट्स के कितने स्टूडेंट्स रहेंगे। तो 0 to 10 में 5, तो यहाँ पे नंबरिंग करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, तो 5, 0 to 10 में 5 है, तो 5 तक जाओ, तो 5, तो 0 से स्टार्ट किया और 10 तक, तो 0 से स्टार्ट किया और 10 तक, तो ये बन गया बार ग्राफ 0 to 10 में 5 स्टूडेंट। वैसे ही 10 to 20 में 10, 10 to 20 में 10, तो ये 10 हो गया, ये 20, तो 10 to 20 में 10, तो ये 8 तक गए थे, यहाँ पे 9 और 10, तो यहाँ तक आएगा 10, तो 10 to 20 में, तो 10 to 20 में कितने स्टूडेंट हो गए, 10, तो 10 to 20 में 10 स्टूडेंट हो गए। फिर 20 to 30 में 2, तो ये 20 to 30 में 2, तो 20 to 30 तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट हो गए, तो 20 to 30 तो 20 to 30 में 2, फिर 30 to 40 तो 30 to 40 में है 4 स्टूडेंट, 30 to 40 तो यहाँ पे मान लो 30 यहाँ है, 40 यहाँ है, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट लेने, 4, तो यहाँ पे 4 तक जाओ, तो 4 हो गया। ये जैसे बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अब इसके क्वेश्चन आंसर, तो यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है क्वेश्चन, अगर मैं इसमें से ऐसे पूछू आपको कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैज अ मार्क्स बिलो 20, 20 से कम किसके है, 20 से कम, तो ये 10 भी 20 से कम है, और ये 2, तो ये 10 प्लस 2, तो
ओके अभी मैं ऐसा पूछूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने से कितने मार्क्स वाले हैं, तो 20 से 30 वाले मार्क्स वाले जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट है। फिर अगर मैं ऐसा पूछूं तो कि मिनिमम नंबर वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पे देखो 1 स्टूडेंट है और मिनिमम नंबर वाले स्टूडेंट कितने हैं 1, लेकिन मिनिमम नंबर वाले स्टूडेंट के मार्क्स के रेंज कितने हैं, तो 50 to 60। तो ऐसे ही किसी भी बार ग्राफ को आप ड्रॉ करके उसी बार ग्राफ से आप उसका मैक्सिमम नंबर, आप उसका मिनिमम नंबर, फिर कितने स्टूडेंट्स हैं, फिर इसके मार्क्स कितने हैं, वैसे ही कितने एम्प्लॉय है, कितनी सैलरी है, मैक्सिमम सैलरी किसकी है, मिनिमम सैलरी किसकी है, वो सब आप एग्जाम्पल इसके थ्रू इस कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हो। तो बार ग्राफ एक ये ऐसा ही है, बार ग्राफ ऐसे बना के आप किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन मैक्सिमम मिनिमम करके किसी भी नंबर की निकाल सकते हो। ये आप कॉमर्स में भी आगे पढ़ेंगे और टेंथ में भी एक चैप्टर आता है उसमें भी आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।